यार एक और नया दिन, एक और नई गाड़ी, ये है अपनी महिंद्रा थार पेट्रोल ऑटोमेटिक या फिर हल्क। लास्ट वीडियो में आपने इसकी मॉडिफिकेशन देखी होगी, जो हमने ऊपर रैक वगैरह लगवाए थे और बेसिक चीजें अंडर बॉडी प्रोटेक्शन थी पूरी, जो मतलब आप मॉडिफिकेशन के शौकीन हो या नहीं हो बट फिर भी आपको लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि भैया ऑफ रोडिंग में ना वो बहुत काम आती है नीचे से। बट आज ना भाई इस गाड़ी को यानी कि अपने हल्क को हम इंडिया की लाउडेस्ट थार बनाने वाले है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ है ये रहा, और जो इसके वो है ना पीछे के क्या कहते हैं इसे, वेंट कहते हैं वो, टिप, हाँ, तो ये है इधर की साइड और ये है पेट्रोल ऑटोमेटिक। बट इसमें आज ना हम लाउडेस्ट बनाने के लिए म्यूजिक सिस्टम नहीं कह रहा मैं भाई, म्यूजिक सिस्टम तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसमें हम करवाने वाले हैं भाई एग्जॉस्ट सिस्टम पूरा तगड़े वाला। और मॉडिफिकेशन वाली वीडियो एक बार ना चेकआउट कर लेना, उसमें सब चीजें बताई है मैंने। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ साइलेंसर हाउस सीपी दिल्ली में, वहां पर उनसे चल के पूछते हैं भैया क्या क्या ऑप्शन है अपने पास इस थार में एग्जॉस्ट लगाने, क्योंकि ये पेट्रोल वेरिएंट है तो पेट्रोल में तो आवाज भी भाई तगड़ी आ जाती है, डीजल में उतनी कुछ खास आ नहीं पाती ना, इसलिए आपको इस वाले ब्लॉग में ना सारी डिटेल बताऊंगा मैं। प्राइजेस हो गए, मॉडल कौन कौन से हो गए, लीगल है इलीगल है, चलान तो नहीं होगा, माइलेज कम तो नहीं होगी, और पावर बढ़ती है नहीं बढ़ती, वो सब बात करेंगे अभी चल के। हाँ, वारंटी सबसे मेन तो भाई वारंटी का सीन है कि वारंटी तो नहीं वर्ड हो जाती है, तो वो भी भैया से ही पूछेंगे वहां चल के, और आपको मैं फिर एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे कैसे अपनी थार में लग रहा है। और भाई डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, अगर आप अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना चाहते हो ना मेरे से मेरे चैनल पर, तो उस फॉर्म को भर देना, हमारी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, फिर आप आ जाना या हम आपकी सिटी में आएंगे तो हम कर देंगे, है ना जी। और हाँ यार एक चीज और, अगर आप चैनल पे नए हो ना भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अब मैं ज्यादा बोलता भी नहीं सब्सक्राइब करने के लिए मुझे, क्योंकि पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ यार जो लोग एक्चुअल में बस देखना चाहते हैं ना फ्यूचर में मेरी वीडियोज, वही लोग सब्सक्राइब करे। बट भैया होते ही नहीं सब्सक्राइब, 70-60% जो है वो व्यूअर व्यूज जो है वो चलती फिरती ऑडियंस आ रही है नॉन सब्सक्राइबर वाली, तो इसलिए भैया कर दो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे चैनल पे, नहीं हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, एक दो वीडियो देखने आए हो फिर तो बिना सब्सक्राइब करे देख लो, अगर लंबा देखना चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो है ना वो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, उससे फिर मेरे चैनल का ही फायदा है और आपको भी टाइम टू टाइम वीडियोस मिलती रहेगी नोटिफिकेशन के रूप में। यार सीपीआई भी ना बहुत साल हो गए और आज तो देखो खाली खाली से लग रहा है सीपी बड़ा, और हम भी बस पहुंच गए 200 मीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। हाँ ये रहा, मिल गया साइलेंसर हाउस शॉप नंबर 53। तो ये रही भाई फाइनली शॉप, और यहाँ पर है गुरजोत भाई, कैसे हो भैया? बस बढ़िया। सबसे पहले भैया एक बार थोड़ा एग्जॉस्ट के बारे में बता दो कि कितने टाइप्स के आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास हर एक गाड़ी के लिए फुल सिस्टम एग्जॉस्ट होते हैं, जिसके अंदर तीन तरह के एग्जॉस्ट होते हैं, एक होता है आपका फुल सिस्टम, एक होता है आपका कैटबैक एग्जॉस्ट, एक होता है आपका एक्सल बैक एग्जॉस्ट। जो एक्सल बैक एग्जॉस्ट होता है उसको हम सिर्फ मफलर बोलते हैं, जो कि आपके टायरों के पीछे होगा। दिखा दो एक बार वो कैसा है। मैं आपको एक बार कंप्लीट समझा देता हूँ, जैसे अगर आप सिर्फ ये पोलो का पूरा 1 लीटर का सेट है। अच्छा, तो यहाँ से वहाँ तक ये पूरा? हाँ, वो पूरा आगे से। ठीक है, तो ये जो होगा सिर्फ अगर आप ये मफलर कराते हो तो ये आपका एक्सल बैक सेटअप होगा। अच्छा, अगर आप साउंड चेंज होती है फिर खाली इसी इसको लगा, ये गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है कि अगर आप पोलो में लगाओगे तो सिर्फ एक्सल बैक से कुछ भी नहीं होगा, तो फिर लगवाते क्यों परफॉर्मेंस के? हाँ, ये परफॉर्मेंस के लिए होता है, मतलब वे स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे ये एक्सल बैक सेटअप हो गया, ये आपका कैट बैक पाइपिंग होती है पूरी, ये किस काम आती ये है? कैट बैक सेटअप होगा जिसके अंदर आपका रेजोनेटर डिलीट होगा और आपका एक कैट बैक सेटअप बन जाएगा, इसके अंदर आवाज और इंक्रीज होगी, परफॉर्मेंस और इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है ये डाउन पाइप। अच्छा, डाउन पाइप होता है फुल सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर पूरी गाड़ी जो होती है वो डी कैट होती है, जिसके अंदर गाड़ी की मैक्सिमम परफॉर्मेंस और मैक्सिमम साउंड आती है। लेकिन प्लस जब आप गाड़ी को डी कैट करते हो तो उसके अंदर हमको रीमैप करना भी जरूरी होता है। अच्छा, तो इसमें तो फिर ये तो फुल सिस्टम हो गया ना कंप्लीट? फुल सिस्टम हो गया, ये आपका कैट बैक हो गया और ये सिर्फ आपका एक्सल बैक हो गया। ठीक है, तो ये भैया ने अच्छे से समझा दिया आपको, आई होप समझ आ गया होगा। हम अपनी थार में क्या करने वाले? हम आपकी थार में करेंगे कैट बैक एग्जॉस्ट करेंगे, ये और वो हिस्सा, मतलब ये अपने पार्ट। हाँ, ये आपके थार के कैट बैक है, ये आपका एक पूरा पाइप लगेगा। ठीक है, ये आपका रेजोनेटर डिलीट होगा पाइप से, फिर उसके बाद ये बोल्ट ऑन सेटअप आएगा आपका पीछे के एक्सल बैक के लिए। ठीक है, ये आपका लगेगा और ये मफलर उस साइड पर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जो ये पूरी हमारा जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं इसको, ये पूरा OEM स्टाइल के ऊपर बेस्ड है, आपको कोई कुछ हल्का सा भी इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपने ये उठाया और ड्रिलिंग वगैरह कुछ नहीं होगी, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, इससे अपनी साउंड तो चेंज होगी और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी थोड़ी? हाँ, इसके अंदर आपकी साउंड भी चेंज होगी प्लस जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस होगी वो भी बढ़ेगी। एज की पेट्रोल थार के ऊपर अभी तक कोई डायनो नहीं हुआ या फिर रीमैप अभी तक इसका नहीं बना है, क्योंकि इसका डाउन पाइप भी नहीं है अवेलेबल अभी तक, तो फुल सिस्टम नहीं लग सकता। फुल सिस्टम इसके अंदर अभी तो कोई नहीं है, 1-2 साल तक तो कोई नीड नहीं है। ठीक
ठीक है, पर कैटबैक में भी आवाज़ अच्छी आती है। हमने काफ़ी ग्रुप्स की गाड़ियाँ करी हैं, पंजाब से काफ़ी गाड़ियाँ करी हैं, तो वो बोलते हैं मोर देन एफ आई ए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप बता रहे थे खड़े हुए में थोड़े क्रैकिंग, हाँ, क्योंकि ये 2 लीटर टर्बो इंजन है, तो जब भी आपके ऑटोमेटिक भी है, जैसे ही आप उसको रेव करोगे तो वो हल्के फुल्के जो क्रैकल वैकल होती है वो मार देगी। तो बेसिकली 3 पार्ट्स हमारे ये लगने वाले और इनमें से एक लगेगा जो मैं चूज, हाँ, इसमें से इनका वैसे रोल कुछ नहीं है, ये तो अपना वो ये है शो के लिए होते हैं, पर इनका रोल आता है डीजल कार्स के अंदर। अगर आप डीजल कार्स के अंदर डुअल ट्यूब लगाओगे तो साउंड थोड़ी और एनहांस हो जाए। तो इसका वो कंट्रोलर कैसे आता है जो वो फोन कर सकते हैं, बोलते क्या वेल्वेट्रॉनिक्स ना इसे? हाँ, इसको वेल्वेट्रॉनिक एग्जॉस्ट बोलते हैं। इस टाइप की एक मशीन लगेगी आपके पीछे जो कि आपके वॉल्स को ऑन और ऑफ करेगी। अच्छा, मतलब पुलिस, अगर मतलब पुलिस वाले हैं तो बंद कर दो, बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ हो जाएगी स्टॉक वाली, तो इसका मतलब पुलिस से बच सकते हैं, हाँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में आप एयर फिल्टर बता रहे थे, कोई उससे परफॉर्मेंस हो रही है? एयर फिल्टर अभी मैंने जो चेक करा मेरे पास वो स्टॉक में नहीं है आपके वाला। अच्छा, पर वो जैसे ही आता है तो हम वो 1-2 दिन में अंदर डालेंगे। हम इसके अंदर कोई कोनिकल वगैरह वो नहीं लगाएंगे, हम इसके अंदर इनबॉक्स फिल्टर लगाएंगे जो कि बीएमसी की तरफ से होगा। अच्छा, उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी की ब्रीदिंग, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और इम्प्रूव हो जाएगा, मतलब परफॉर्मेंस बढ़ेगी। हाँ, परफॉर्मेंस और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कितनी देर का प्रोसेस है भैया ये पूरा अभी करना? देखो, जैसे अब आपकी हमारी पहले बात हो रखी थी तो मैंने आपका एक कंप्लीट सेट बना के रखा हुआ था। अच्छा, ये आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग? हाँ, ये सब कुछ यहाँ पे खुद मैन्युफैक्चर होता है, कोई कहीं से पार्ट, मतलब जो ये एंड कैंस होते हैं ये भी बाहर से आते थे लेकिन अब ये यहीं पर ही मैन्युफैक्चर बनवा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो भी होगा पूरा साइलेंसर उसका सेटअप होगा, और अगर आप पहले हमको ऑर्डर दे दोगे तो हार्डली मान के चलो 1 घंटा लगेगा सब कुछ फिटिंग पूरा कंप्लीट। वारंटी कितनी मिलेगी इसकी, कुछ मिलती है इसकी? जो हमारे जो अगर आप हमारा पूरा प्रोडक्ट लेते हो, देखो हम जो क्वालिटी यूज करते हैं वो यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील 304 मटेरियल। अच्छा, और ये बोलने वाला 304 नहीं, ये पूरा कंप्लीट 304 मटेरियल है। उसके अंदर प्लस ये होता है कि हमारे सारे जो फ्लेंज होंगे वो पॉइंट टू पॉइंट लगेंगे, ये जितना भी होता है सारे आपके ओरिजिनल ओईएम ब्रैकेट्स के ऊपर ही लगेंगे। अच्छा, तो जो वॉल्वेट्रॉनिक की वारंटी होती है वो अभी हम 2 ईयर्स की देते हैं कि आपका मतलब जो मशीन जो, हाँ, जो मशीन होती है वो आपकी खराब नहीं होगी। अगर खराब होती है तो आपकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगी। अगर उसके बाद भी कोई इशू आता है तो वो 100-200 रुपए का या सेल्वी को या कुछ होगा, सिर्फ वही खर्चा होता है, उससे ज्यादा मतलब इतना कुछ वो मेजर कोई खर्चा नहीं होता। बाकी टोटल प्राइस जो है ना वो वीडियो के एंड में बताएंगे, पहले लगवाना शुरू करते हैं भैया, कर दो आज। और बाहर देखो भाई, यहाँ पे BMW Z4 में भी एग्जॉस्ट लग रहा है, इसमें भी फुल सिस्टम इसके अंदर हम टिप्स इंस्टॉल कर रहे हैं, टिप इंस्टॉल हो रही है। और यहाँ पे भैया G63 काफ़ी लोगों की ड्रीम कार, तो इन पे भी काम चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसके अंदर इनका ब्रांडेड एग्जॉस्ट लगा हुआ है। अच्छा, लेकिन उसके अंदर कुछ इशू वगैरह आ रहा है तो हम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वैसे रिपेयरिंग का भी आप कर देते हो? हाँ, मतलब जैसे ये ब्रांडेड एग्जॉस्ट है तो ये कैप्रेस्टो का है तो काफ़ी कॉस्टली आता है, और ये वारंटी आउट हो चुका है एग्जॉस्ट। अच्छा, तो अगर कोई भी इशू होता है तो हम वो कर देते हैं। प्लस इसके अंदर अगर आपका कोई टाइटेनियम का एग्जॉस्ट है तो हमारे पास टाइटेनियम की वेल्डिंग भी अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, चलो वहाँ पर अपनी थार खड़ी है, कहाँ लेकर जाएंगे इसको अभी? इधर ही है कहीं पास ही है, दिखा देना। और ये जो पोलो देख रहे हो ना भैया की खुद की है, इसका भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो आपके सामने लाएंगे, क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रखी है। देख रहे हो कितनी तगड़ी सी लग रही है, अलॉय व्हील्स भी और पीछे एग्जॉस्ट सिस्टम भी पूरा बदला हुआ है। और यहाँ से अपनी थार जाएगी मेरे ख्याल से इस वाली वर्कशॉप के अंदर। गाड़ी जो है अपनी वो लिफ्ट हो चुकी है भैया, स्टेप्स बताओ क्या क्या करने वाले हैं अभी हम। ठीक है, अब हम इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ। इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका एक्सेल बैक सेटअप है टायर के इस तरफ, ये आपके नट बोल्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक है। ये आपका रेजोनेटर होता है, हम यहाँ से इसको खोलते हैं। अच्छा, ताकि आपकी साउंड भी अच्छी बन जाए, पिकअप में भी थोड़ा बहुत एनहांसमेंट हो, और ये सारा का सारा जो सेटअप होगा या अभी बोल्ट ऑन होगा, जैसे अभी हम बोल्ट खोलेंगे बाहर आ जाएगा और हमारा वाला एज इट इज लग जाएगा। ये चीज भी निकल जाएगी पूरी? ये पूरा निकल जाएगा। अच्छा, सब निकल जाएगा। हाँ, ना वारंटी तो नहीं वॉइड होती इसमें? इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, जहाँ अगर आपने अपने मफलर में कटिंग करा दी, चाहे आप यहाँ से कट कराओ, काफ़ी लोग होते हैं वो यहाँ से कट कर देते हैं, बोलते हैं कि नहीं होगी, फ्लेंज उन्हीं की यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो वारंटी अवॉइड हो जाती है। तो हमारा ये सेटअप होगा, ये एज इट इज ये उतरेगा, ये पूरा नट बोल्ट पे और हमारा एज इट इज लगेगा। अच्छा, प्लस इसके अंदर ये एक और होता है कि अगर इन केस कोई वारंटी का इशू होता भी है, कि जैसे समझ लो एग्जॉस्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन कोई और गाड़ी के अंदर फॉल्ट आ रहा है जो कंपनी वाले इसको कर रहे हैं, तो ये एज इट इज बोल्ट ऑन सेटअप कंप्लीट वापस लग जाएगा। अच्छा, मतलब अगर जैसे ऑफ रोडिंग करते हुए कुछ खराबी आती कुछ है भी कुछ हो तो वो एज इट इज वापस लग जाएगा और वारंटी सही हो जाएगी। हाँ, आपकी।
ठीक है जी, सही है प्रेम। और भाई देखो थार को जिस तरह से लगती है नीचे से, ये हमने अंडर बॉडी प्रोटेक्शन लगवाया था पूरा, जो मैंने आपको बताया था ना विमरा 4x4 से, इसमें आगे की स्किड पेट रहती है, ये रहता है और ये भी रहता है, तो ये पूरा एंड तक आ रहा है देखो यहाँ से वहाँ तक। तो ये देखो भाई लोग दो चीज़ें अपनी निकल चुकी है, मतलब यही दो निकालनी थी, एक ये और एक वो, और हम नीचे से कुछ इस तरह से खोखली हो गई है, यहाँ पर जो है अब अपना नया वाला एग्जॉस्ट सिस्टम ज्वाइन होगा। मैं कह रहा हूँ इनके ये वाला जो है इसके वेट में और उसके वेट में फर्क है काफी फर्क, हमारा वाला काफी हल्का होगा, तो मतलब गाड़ी का वैसे भी ओवरऑल वेट कम हो जाएगा। अब ये क्या बता रहे थे किस मटेरियल से बना हुआ ये वाला? ये स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील मिक्स होता है। अच्छा, और वो स्टेनलेस स्टील, प्योर स्टेनलेस स्टील 304। आ गया भाई अपने पार्ट, जैसे रेजोनेटर है ना, अब ये एज इट इज आपका स्ट्रेट पाइप हो गया। तो ये कंपनी लगाती क्यों है फिर? ये बेसिकली कंपनी को ना काफी ज्यादा वो क्लियर करने होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं यहाँ के BS6, हाँ वो क्लियर करने होते हैं, प्लस साउंड रिड्यूस करनी होती है, ये रेजोनेटर का काम साउंड रिड्यूस करना होता है। हाँ, तो इसकी वजह से जो आवाज़ है ना वो आपको नहीं सुनाई देती, बट अब क्योंकि ये स्ट्रेट पाइप है ये चीज़ हट चुकी है, तो इसलिए आवाज़ बढ़ जाएगी इस चीज़ से। और इस चीज़ का क्या काम होता है अपना? ये मफलर होता है, ये पूरी इसकी पूरी साउंड को मफल करता है, जैसे इसके अंदर ना काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अच्छा, तो इसके अंदर जो एयर होती है वो बायपास करते हुए आती है, और हमारा अब ये लग जाए, हमारा अब स्ट्रेट लग जाए। ठीक है, ये देखो आप डायरेक्ट फिटमेंट है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करी जा रही है गाड़ी के, उसमें अपना यही वाला सेम हिस्सा यहाँ पर लग के ऐसे नट अपना स्क्रू हो जाएंगे, खत्म बात। जैसे सिंपली ये खुला था वैसी सिंपली ये लग भी जाएगा। अब देखो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो ये पूरा सेटअप कर रहे हैं भैया इनमें जॉइंट्स में घुसा के, ताकि उस हिसाब से ही फिट हो जाए। इन शॉर्ट बस कहने का मतलब यही है कि आपकी गाड़ी के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं हो रही है इन चीजों के मामले में, सीधा स्क्रू टू स्क्रू वाला सिस्टम है। गाड़ी में ना इस तरह के माउंट मिलते हैं आपको रबड़ के, इसके अंदर जो है वो घुस घुस के लटक जाती है चीजें, जैसे वहां भी देखोगे ना आप उस वाले माउंट में, रबड़ वाले में ये इसका पिन सी वो घुस गई है, जिसकी वजह से ये हैंग कर लेगा। साथ ही साथ जो नट एंड स्क्रूज है ना वो भी नए यूज करे जाते हैं, वो पुराने तो खराब से हो जाते होंगे है ना खुलते वक्त। अच्छा, ये अलग अलग होता है सबका? ठीक है, तो ये देखो बिल्कुल ब्रांड न्यू यहाँ पे ये लगे हैं, यहाँ भी आप देख सकते हो पड़े हुए हैं। और इस वक्त गाड़ी ना इन इस जैसे चार उस पर टिकी हुई है क्रेन के, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, दो यहाँ दो उधर की साइड बोल रहे। सोचो इस मशीन ने पूरा वेट ले रखा है इस गाड़ी का। अब उसके आगे सेकंड पार्ट जो था वो भी यहाँ से ज्वाइन कर दिया है, यहाँ तक निकला है जोकी के, फाइनल थर्ड वो लगने वाला है जिसमें लगेगी वेल्वेट्रॉनिक की वो मशीन। इसका भाई वेट चेक करते हैं कितना है, और तेरी छोड़ना, ठीक है इतना ज़्यादा नहीं है। तो अपना ये सारा सिस्टम तो लग चुका है, अब वेल्वेट्रॉनिक की वो मशीन लगनी है जो कि ये है। भैया कैसे लगाओगे इसको, कहाँ लगेगी? यहाँ पे होल होता है जो कि ऊपर ना एक रबड़ के लगा होता है। अच्छा, वो जैसे आप ये देख लो यहाँ से इजीली दिख जाएगा, जैसे ये होता है ना, हाँ। तो इसके थ्रू एक होल होता है कि जो ऊपर एक ये वैक्यूम पाइप जाएगा ब्लू कलर का, जो आपके वॉल्स को यहाँ से कंट्रोल करेगा। जैसे अभी देख सकते हैं ये यहाँ से अभी ये खुलेगा, ये खुल गया, ये आपका बंद हो गया। कहाँ पे दिखने का? ये इधर से दिखाओ, ये आपकी जैसे वायर है, हाँ, ये हमने दबाई, ये वॉल खुल गया, ये बंद हो गया। खुलेगा तो आवाज़ आएगी, बंद होगा तो स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, प्लस जो आप फिटिंग देख सकते हो एज इट इज, पूरी की पूरी ओरिजिनल क्लैंप के ऊपर पूरा, कहीं पे भी पाइप टच नहीं होगा, कहीं पे भी कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आके एग्जिट। अब जो बाकी टेप है वो अभी हम रख के चूज करेंगे, रख के देखेंगे कि कौन सी सूट कर रही है गाड़ी साहब, वो यहाँ पे एज इट इज क्लैंप के साथ टाइट। अच्छा, वेल्डिंग नहीं होती उसकी? उसके अंदर सेफ साइड के लिए टांके लगा देंगे, लेकिन वैसे क्लैंप पे रहे तो ज्यादा बढ़िया चेंज कर। तो ये डिवाइस लगेगा कहाँ पर? ये वाला जो होगा ये आपका एक बूट में लगेगा। अच्छा, डिक्की पे जाएगा? हाँ, डिक्की में यहाँ कॉर्नर पे लग जाएगा। हाँ, और जो हम इसको पावर देंगे वो 12 वॉट से देंगे, जो आपका चार्जिंग सॉकेट होता है आगे होगा वो तो। हाँ, तो सीट के अंडर सीट के ये जाएगी। तो ये डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर सकते इसको? इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट करके हम क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर हमने एक फ्यूज रखा हुआ है, कल को कुछ भी होगा आपका पहले फ्यूज उड़ेगा। अच्छा, आपकी बॉक्स को कोई हार्म नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कोई फ्यूज नहीं है? इसके अंदर कोई फ्यूज नहीं है, सिर्फ ये वायर के अंदर फ्यूज है। अच्छा, अगर आप इसको डायरेक्ट कर दोगे चलता। हाँ, वो भी है, लेकिन फिर बॉक्स की कोई वारंटी नहीं रहती, क्योंकि वो कभी भी अगर हल्का सा भी ट्रिप मारेगा तो उड़ सकता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट अपना 40 मिनट में काम हो चुका है, 15-20 मिनट का और काम बचा हुआ है। अब ये बॉक्स फिट होगा, नॉर्मल एक कनेक्शन देंगे और गाड़ी काम। ठीक है, तो आपको प्रॉपर डेमोंस्ट्रेट करने के लिए ना हमने एक एक्सटर्नल ऐसी भार यहाँ पे सेटअप कर लिया है। रिमोट दिखाओ भैया पहले तो। ये देखो भाई इस तरह का रिमोट है, इसमें ऑटो ऑन ऑफ, ऑटो में क्या होता है? ऑटो से कुछ लेने देने नहीं, सिर्फ ऑन ऑफ है। अच्छा, दिखा दो क्या सिस्टम है ये? ये आपका मफलर हो गया, ये आपका वॉल्व लगा हुआ है, ये आपकी मशीनरी है। अच्छा, ठीक है, वो हमने 12 वॉट से कनेक्ट करी, अब आप इसको ऑन दबाओ अपने हाथ से। ओके, तो ये देखो भाई ये चीज मैकेनिज्म जो है ये क्या प्रेशर से हो रहा है? हाँ, क्या ये वैक्यूम कंट्रोल होता है। ये देखो ऑफ करूंगा एकदम से बंद हो गया, ऑन होने में यहाँ पर ये लो। अच्छा, तो इसकी वजह से आवाज़ जो है वो दिखती आती है मतलब प्रॉपर। ठीक है जी, तो आप ये सही चीज़ है ऑन ऑफ कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है,
इन चीज़ों से गाड़ी के इंजन में लॉन्ग रन में कुछ फ़र्क तो नहीं आएगा? देखो ऐसा सच कुछ वो नहीं होता कि फ़र्क आएगा नहीं आएगा, सेफ है जितना इसको भगाते रहोगे करोगे वो जितना इंजन को हार्म होगा वो उसमें हार्म। हाँ लोग क्योंकि आवाज़ के चक्कर में फिर ज़्यादा करते हैं इसलिए थोड़ा सा। वो जो आपको अंडर बॉडी छेद दिखाया था ना उसको लोकेट कर रहे हैं कहाँ पर है, एक्सटर्नल कोई भी छेद नहीं हो रहा ना भैया, मतलब जो था कंपनी से वही उसी में से आप निकालोगे, तो यहाँ कहीं पर है वो ढूंढ रहे क्योंकि मैंने डैम्पिंग करवा रखी है फुल। मिल गया ये देखो भाई, तो यही है जो कंपनी की तरफ से आता है, इन्होंने कुछ नहीं किया एक्स्ट्रा अपना, इसमें से वो पाइप निकल जाएगा बस। ठीक है जी चलो बढ़िया। डिक्की में पहली जगह कम थी, ऊपर से सब वूफर के बाद और कम हो गई, अब ये डिवाइस लग जाएगा और कम हो जाएगी। वैसे खैर इतना कुछ बड़ा साइज भी नहीं है, छोटू सा है ये देखो भैया। एक सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन जो है माइलेज को लेकर, तो अभी मेरी गाड़ी 8 की एवरेज दे रही है तो इसके बाद गिरेगी? देखो इसके अंदर माइलेज में मेरा कोई रोल नहीं होता, मैं इसके अंदर कोई गारंटी नहीं देता, ये सिर्फ आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर है। अगर आप ये नॉर्मल चलाते हो, आप 8 निकालते हो, तो क्या पता कोई और नॉर्मल ये चलाए तो वो 10 या 12 भी निकाल ले या फिर 6 निकाल ले। तो माइलेज से वैसे इसका कुछ नहीं है, जितना भगाओगे उतनी गिरेगी। अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो इसके चांसेस बढ़ने के भी होते हैं क्योंकि आपका जो एग्जॉस्ट है वो फ्री फ्लो हो गया, अब रिस्ट्रिक्शन उसके अंदर नहीं है। तो लोग जो कहते हैं ना कि लगाने के बाद कम हो गया, वो भाई क्योंकि अब देखो लगा रहे हैं साउंड के लिए तो लोग ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं, वो रेव भी ज्यादा करते हैं, फिर आप सेकंड या थर्ड गियर पे पुल भी ज्यादा करोगे कि हाँ आवाज सुनाई दे, उसकी वजह से गिरती है। अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो वही एवरेज रहेगी, से उल्टा बढ़ सकती है चांसेस। पावर गेन कितना होता होगा, बीएचपी कितनी गेन होती होगी अंदाजा कुछ? इसका देखो अभी तक कोई, वही मैं बताऊंगा, डायनो अभी तक हमने टेस्ट नहीं करा तो एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता। अच्छा पर पिकअप में आता तो इंक्रीज होगा। इस तरह के ये लगते हैं अब एंड में, बट ये अभी हम लगा के देखेंगे कौन सा बेस्ट रहेगा, फिर उसी हिसाब से फाइनल क्लैंप लगा दिया जाएगा। ये वाला पाइप जो है निकला है ये देखो, ये चीज और वो वाली मशीन वेल्वेट्रॉनिक वाली प्रेशर या वैक्यूम क्रिएट करती है जिसकी वजह से वाल्व जो है वो खुल जाता है। अभी आपको दिखाया था ना एग्जांपल, वही अभी वायरिंग करी जा रही है क्योंकि आपको बताया था ना 12 वोल्ट वाला जो सॉकेट है उससे पावर मिलती है इसको, तो वायरिंग दिखेगी नहीं उन्होंने कहा है। वैसे तो एक बार दिखाता हूँ मैं आपको अच्छे से, यहाँ से अंदर ही अंदर निकाल के आगे प्लग में चली जाएगी। हो गया जी यहाँ से तो सारा काम, अब गाड़ी को निकाल के उधर शॉप के वहीं ले जा रहे हैं ताकि आगे का जो टेप है वो लगा ले। और हमें भाई ऑलमोस्ट यहाँ पर 1.5 घंटा लगाएगा इस काम में, और अब तो 5-10 मिनट का ही बचा हुआ, तो वही आप 2 से 2.5 घंटे निकाल के आना, बट पहले फोन करके भैया को ताकि वो रेडी रखे। मुझे तो एक तो ये वाली पसंद आ रही है थोड़ी, ठीक है। एक वो लगा हुआ था ना उसमें कौन सा था, उसमें स्टिकर लगा, हाँ ये लगा बोर्ड लगा, थोड़ा ये मैट फिनिश में क्योंकि बस। तो इनके पास स्क्वायर भी है इस तरह के, मेरे को यही ज़्यादा अच्छे लग रही थी रेक्टेंगुलर, बट ये सिल्वर में, अगर ये ब्लैक होती तो लगवा लेते। सिंपल प्लग एंड प्ले है इसका, तो अपना क्लैंप माउंट हो जाते हैं, देखो लग गया। तो अभी थोड़ी सी ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि मुझे इसके बम्पर चेंज करवाने हैं आगे के भी पीछे के भी, तो उसकी वजह से हम सोच रहे हैं अभी इसको लगाए या ना लगाए टिप को, या अभी लगवा लेते हैं या बेल्डिंग मत करवाओ अभी, सिर्फ क्लैंप पे रख लेते हैं। जब आपके बम्पर लग जाएंगे फिर हम उसके आपके चूज करके देख लेंगे आप, तब तक और कोई ऑप्शन आ जाए बढ़िया लगे उसको। ठीक है तो अभी नॉर्मल क्लैंप से ही जुड़वा रहे हैं। फाइनली काम जो है कम्प्लीट हो चुका है। एक बार भैया ऑन कर दो आगे से और दिखा दो, पहले ऑफ में दिखाना, नॉर्मल स्ट्रोक आवाज़ आपको सुनाते हैं उसके बाद ऑन करके सुनाएंगे कैसी आवाज़ है। ये देख लो भाई बिल्कुल नॉर्मल आवाज़ है, जैसे मतलब स्ट्रोक गाड़ी में आती थी। अब ऑन कर दो एक बार, तो ऑन करते ही डिफरेंस। देख सकते हो भाई साहब पटाखे भी मार दिए खड़ी खड़े में, और चलने के टाइम तो और अच्छी आवाज़ आएगी ना इसमें। एक बेस बनता है ना प्रॉपर गाड़ी का, वो आ जाएगा लेकिन क्रैकल नहीं बजेगा, खड़े खड़े में बजेंगे क्रैकल। तो ठीक है यार मज़ेदार है आवाज़, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सच बताऊँ तो मुझे साउंड का इतना शौक नहीं है, बट एक तो इस वाले से थोड़ी परफॉर्मेंस बढ़ेगी जो अभी मैं चला के देखूँ और आने वाले दिनों में रिव्यू दूंगा आपको इस चीज़ का। प्लस मैं आपके पास बटन है तो भाई कभी आपको आवाज़ चाहिए हो टनल में से जा रहे हो तो ऑन कर लो, वरना ऑफ रखो, मैं ज़्यादातर ऑफ ही रखूँगा वैसे तो। हाँ जी भैया प्राइस बता दो फटाफट से, थार में क्या खर्चा आया इसमें? देखो जो ये सेम सेटअप होता है इसका जो कोड होता है विद वॉल्वेट्रॉनिक ही होता है 35,000 का। अच्छा। जिसके अंदर पूरी आपको जो मैंने आपको दिखाया सारा ये सेटअप होता है। हाँ। प्लस जो टिप्स वगैरह होती हैं वो कस्टमर के ऊपर वेरी करती हैं, जैसे आपने ये चूज़ करी ये टिप की कॉस्ट 7500 है। अच्छा। तो वो एक्स्ट्रा जुड़ता है। ठीक। प्लस इसके अंदर एक और मेन चीज़ बताता हूँ कि ये कईयों को 35 काफ़ी ज़्यादा भी लग रहा होगा, लेकिन ये 35 है इस क्वालिटी का। अच्छा। मतलब ये मैक्सिमम क्वालिटी है इसलिए 35 है। जो काम जो थार के अंदर होता है, कोई कटिंग करा के कराए तो 18 में भी हो जाता है, 20 में भी हो जाता है। मतलब बहुत 18 से लेके 35 तक बहुत ऑप्शन है हमारे पास। MS की पाइपिंग कर लो,
एक्सल बैक कर लो या पूरा कैट बैक कटिंग करके कर लो, तो वो ऑप्शन होते हैं। ये बेस्ट है आपके, ये बेस्ट है, इससे ऊपर अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका जो प्राइस है 35,000। और दूसरी गाड़ियों में भी सेम ही प्राइस होगा फिर? मतलब अप्रोक्सीमेट मैंने आपको बताया 18 से स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि गाड़ी कौन सी है, उसके अंदर पाइपिंग कितनी है, कैसे होने हैं। अब जैसे इसका 35 का हुआ सेटअप, लेकिन अब हम यही वरना में कर रहे हैं, वरना में फुल सिस्टम हो रहा है, तो उसका 50,000 क्रॉस हो जाएगा, एक कंपोनेंट एक्स्ट्रा बढ़ गया। हाँ ठीक है, और 2 साल वारंटी उसकी है वेल्वेट्रॉनिक। हाँ मतलब बॉक्स की, मतलब कहीं से हीट वेट ना हो तो वो तो देख लेंगे, ऐसा वो कुछ नहीं होगा। चलो थैंक यू सो मच भैया, मज़ा आ गया। एड्रेस आपको सीपी में, शॉप नंबर बता दो थोड़ा। हमारा सीपी में है, सिलेंसर हाउस के नाम से है। हमारी शॉप का एड्रेस जो है वो है 53 सिंधिया हाउस, कनॉट प्लेस। यहाँ पे आपको पापा मिलेंगे रवजोत सिंह, जिनको काफ़ी लोग जानते हैं काका के नाम से, और मैं मिलूँगा गुरजोत सिंह। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक और सारी नंबर वगैरह आपको मिल जाएंगे। आपने भी कोई भी गाड़ी का करवाना हो तो पहले एक बार कॉल कर लेना, ताकि बनवा के रखे आपके लिए, तो टाइम ना लगेगा ना उसके लिए। तो वैसे दूसरी सिटीज़ में तो नहीं है, दिल्ली आना पड़ेगा अगर किसी को करवाना। देखो डिपेंड करता है, जैसे हमारे असम वगैरह साइड, इम्फाल वगैरह में हमारे डीलर्स वगैरह हैं। अच्छा ठीक, तो हो सकता है कि जिनको आउट ऑफ इंडिया से, बॉम्बे में भी है, हैदराबाद में भी है, तो डीलर के थ्रू उनको एक्सेस हो सकता है। लगवा वहाँ लेंगे, लगवा वो वहाँ लेंगे, हम उनको भेजेंगे, उनको नंबर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा कि कहाँ से कहाँ इंस्टॉल कराना, मतलब आने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर उसके लिए, है ना। ठीक है जी, मतलब हम ये प्रेफर करते हैं कि अगर कोई जैसे गुड़गांव या इस साइड है, आसपास है, जैसे चंडीगढ़ भी मान लो, तो हम वहाँ भी भेज सकते हैं, वहाँ भी इंस्टॉलर हैं, लेकिन बेस्ट है कि अगर आप 200 किलोमीटर यहाँ आ जाओगे तो और तसल्ली से काम हो जाएगा, सब हमारे सामने। ठीक है जी, चलो थैंक यू सो मच भैया।